नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया और आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। शुरुआत करेंगे खबरों की। दिल्ली जल बोर्ड के मुताबिक यमुना नदी में अमोनिया का स्तर 3 PPM तक बढ़ने से शहर के कई इलाकों में पानी की आपूर्ति बाधित हो गई है। शहर के 8 ट्रीटमेंट प्लांट में से 5 से पानी का ट्रीटमेंट और पंपिंग प्रभावित हुई है, जिसके परिणाम स्वरूप आपूर्ति काफी बाधित रही। जिन इलाकों में पानी की सप्लाई में दिक्कतें आई उसमें सोनिया विहार, भागीरथी, वजीराबाद, चंद्रावल और ओखला वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है। दिल्ली जल बोर्ड के मुताबिक एक बयान में कहा गया है कि शनिवार को शाम को और रविवार को सुबह पानी की आपूर्ति प्रभावित रही। जो क्षेत्र प्रभावित हुए उनमें पूर्वी दिल्ली, पूर्वोत्तर दिल्ली, दक्षिणी दिल्ली, नई दिल्ली, नगर निगम और कुछ बुराड़ी, मॉडल टाउन, जहांगीरपुरी, कमला नगर, करोल बाग, सिविल लाइन, सरिता विहार, वसंत कुंज, मूलचंद और ग्रेटर कैलाश शामिल हैं। दिल्ली जल बोर्ड के उपाध्यक्ष राघव चड्ढा ने एक बयान जारी कर कहा कि हरियाणा से काफी मात्रा में सीवेज और औद्योगिक कचरा छोड़े जाने के चलते दिल्ली में जल संशोधन संतरियों में उत्पादन प्रभावित हुआ है। उन्होंने ट्वीट कर ये भी कहा कि हम यमुना नदी में अमोनिया के लेवल को कंट्रोल करने के लिए हरियाणा के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। दिल्ली जल बोर्ड आपूर्ति को जल्द बहाल करने और अमोनिया के स्तर को नीचे लाने के लिए सभी प्रयास कर रहे हैं। वहीं दिल्ली जल बोर्ड एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार अमोनिया दिल्ली के प्रदूषक का सूचकांक है और शनिवार को इसका स्तर लगभग 2.2 PPM था। उन्होंने कहा कि ये ट्रीटमेंट के लिए एक हाई लेवल है और 5 प्लांट ने हिट लिया है। तो ऐसे में यमुना नदी का एक बार फिर से जो लेवल है अमोनिया का वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, जिससे आम व्यक्तियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। कई इलाके ऐसे हैं जिनको पानी की किल्लत से भी जूझना पड़ा है।